हेलो फ्रेंड, अर्जा कुकिंग में आपका स्वागत है। तो आज हम बनाएंगे मखाना का खीर, जो कि बहुत ही टेस्टी और साथ में हेल्दी भी है। तो हमारे वीडियो में तक बने रहिए और न्यू है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए हम मखाना का खीर बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हम एक बाउल में मखाना ले लिए हैं और दूध लिए हैं, जो कि यहाँ पर हम दो बाउल लिए हैं, और ड्राई फ्रूट्स लिए हैं काट कर, और यहाँ पे छोटी इलायची है। तो इसको बनाने के लिए यहाँ पर गैस ऑन कर दिए और इस पे हम रखेंगे कढ़ाई और एक चम्मच घी डालेंगे। तो घी अच्छी तरह से गर्म हो गया है तो इसमें हम डालेंगे मखाना, और मखाना को मैं 2 से 3 मिनट तक अच्छी तरह से भूनेंगे यहाँ पे। और इसको बराबर चलाते जाएंगे तो 2 से 3 मिनट हो गया है, मखाना अच्छी तरह से भुन गया है। तो यहाँ पे हम लिए हैं दूध और इसको अच्छी तरह से उबाल लेंगे। तो दूध में अच्छी तरह से उबाल आने लगा है, इसको हम बराबर चलाते जाएंगे। तो अब दूध में डाल देंगे ड्राई फ्रूट, और छोटी इलायची कूट कर डाल देंगे, और चीनी डाल देंगे स्वाद अनुसार। अब इसको हम अच्छी तरह से चलाएंगे, 5 से 7 मिनट तक अच्छी से हम चलाकर इसको पकाएंगे। तो अब इसमें डाल देंगे हम भुना हुआ मखाना। तो इसको हम गाढ़ा होने तक पकाएंगे ताकि अच्छी तरह से गाढ़ा हो जाए, और इसको हम 10-15 मिनट तक पकाएंगे। जब तक कि गाढ़ा नहीं होगा तब तक इसको हम पकाएंगे। और ये खीर अच्छी तरह से गाढ़ा हो गया है, अच्छी तरह से पक भी गया है। तो अब गैस को ऑफ कर दूंगी और खीर को मैं एक बर्तन में निकाल लूंगी। तो मखाना का खीर बनके तैयार हो गया है। आप इसको व्रत या तो फिर जब खाने की इच्छा हो तो बनाकर खा सकते हैं, और ये बहुत जल्दी बनकर तैयार भी हो जाता है। तो इसमें हम डाल देंगे कटा हुआ पिस्ता। और आप सबको ये रेसिपी कैसा लगा? रेसिपी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।